हेलो, आज हम हासिल करने जा रहे हैं ये बहुत ही रोचक जानकारी। सो टुडे वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज MPT। यू मे हैव हर्ड दिस नेम और यू मे नॉट हैव हर्ड दिस नेम, मतलब कि MPT क्या है, इसको हम आज समझेंगे कि MPT क्या होता है और वो क्या काम आता है। तो इंग्लिश ग्रामर में जब हम एडवर्ब्स को काम में लेते हैं तो एडवर्ब्स भी तीन तरह की होती है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सो जब आप किसी सेंटेंस में, वेन एवर इन ए सेंटेंस यू फाइंड ऑल थ्री, मैनर, प्लेस, टाइम इन ए सेंटेंस, जब आपको किसी वाक्य में मैनर, प्लेस, टाइम तीनों तरह के वाक्य मिल जाए, तो के शब्द मिल जाए, तो आप उनको किस तरह से वाक्य बनाते समय किस क्रम में लिखेंगे, ये हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो जब हम इनको सही क्रम में लिखेंगे तो इसकी सही क्रम होगा इसका MPT, मैनर, प्लेस एंड टाइम। वेन एवर यू फाइंड दिस थ्री, ए मैनर, प्लेस, टाइम इन ए सेंटेंस, देन यू विल हैव टू राइट देम इन दिस ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनर, देन प्लेस एंड देन टाइम। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली एकदम सही बन जाएगा। तो एडवर्बियल MPT इन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में जो MPT का क्या कॉन्सेप्ट है उसको आज अपन समझेंगे। तो एडवर्ब्स, दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स। तो अब अपन इसको इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ये MPT का यूज यहाँ पर हो रहा है। तो पहला वाक्य अपन देखेंगे, राजेश कल पार्टी में उत्साह से नाचा। सो नाउ यू विल वी विल हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। सो हम इसको ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे और इसको अपन समझेंगे कि MPT का किस प्रकार यूज यहां पर हो रहा है। तो फर्स्ट इज सब्जेक्ट, राजेश, कर्ता कार्य करने वाला है राजेश, ओके। एंड देन मैन वर्ब सेकंड फॉर्म विल बी यूज्ड बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राजेश नाचा, तो नाचा मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो राजेश डांस्ड, अब यहां पर तो हो गया कि राजेश डांस्ड, राजेश नाचा। अब इसके बाद में हम MPT को काम में लेना शुरू करेंगे। MPT का मतलब मैनर। सबसे पहले हम देखेंगे मैनर, मैनर किस प्रकार, किस तरह नाचा, उत्साह से। तो ये हो गया एम, उत्साह से, एम के रूप में इसका प्रयोग हो जाएगा एम। और प्लेस, प्लेस फिर क्या आएगा, पार्टी में, जगह कहां पर, पार्टी में। और किस प्रकार नाचा, पार्टी में नाचा, टाइम फिर आ जाएगा टाइम, कब, कल। तो इस प्रकार MPT, तो यहां पर ये हो गया MPT, राजेश डांस्ड, ए मैनर किस प्रकार से, उत्साह से। तो उत्साह के लिए आता है वर्ड मैरिली। अब यहां पर जो है अपन इस एडवर्ब के लिए, उत्साह के लिए कोई भी एडवर्ब इसमें दूसरा भी काम में ले सकते हैं, जैसे जेलसली, फर्वेंटली, मैरिली, आई हैव यूज्ड हियर मैरिली। तो राजेश डांस्ड मैरिली, मैनर पहले आ गया है मैरिली, एंड देन प्लेस इन द पार्टी, कहां पर नाचा, पार्टी में, इन द पार्टी। और टाइम कब नाचा, कल, यस्टरडे। तो इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। MPT, वी हैव यूज्ड MPT इन करेक्ट ऑर्डर। अब नेक्स्ट इज, अनिल ने दिसंबर में दिल्ली में खुशी से अपनी दुकान खोली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन है यहां पर, अनिल, देन वी विल राइट अनिल। और अनिल ने दिसंबर में दिल्ली में खुशी से अपनी दुकान खोली, तो अनिल, एंड सबसे पहले मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी ओपन का, ओपन बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज बी यूज्ड हियर, अनिल ओपन। नाउ व्हाट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अपनी दुकान, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट हिज। सो अब इसके बाद में MPT शुरू होगा। तो सबसे पहले मैनर, खुशी से, तो खुशी से हो गया ये मैनर, तरीका, शो ऑफ
हैप्पीली, हैप्पीली और प्लेस इन दिल्ली, हैप्पीली इन न्यू दिल्ली, ये हो गया प्लेस। और टाइम इन दिसंबर, दिसंबर में। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पर इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट, मैंने पिछले हफ्ते बाद उसे उसको जयपुर में हराया था, तो मैंने के लिए आ गया यहाँ पर आई और हराया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहले ये आ जाएगा टेंस के हिसाब से। आई हराने को डिफीट, डिफीटेड, और ऑब्जेक्ट उसको, यहां तक तो टेंस के हिसाब से हमने लिख दिया। उसके बाद हम शुरू करेंगे एमपीटी और मैनर, किस प्रकार, बहादुरी से, ये हो गया मैनर, ब्रेवली। और प्लेस इन जयपुर, जयपुर में। और टाइम लास्ट वीक, लास्ट वीक, दैट इज द टाइम। नेक्स्ट इज, क्या तुमने अपनी कार चोरी छुपके मुंबई में सोमवार को बेची थी? तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो नेक्स्ट इसका आ जाएगा डिड। और तुमने के लिए यू, डिड यू बेची थी, तो डिड के साथ अपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सेल। अपनी कार, ऑब्जेक्ट योर कार। तो ये तो हम यहां तक तो जो है वो कर रहे हैं टेंस के हिसाब से, डिड यू सेल योर कार, यहां तक तो अपन पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से इसका सॉल्यूशन कर दिया। उसके बाद में यहां आएगा मैनर, अब एम शुरू होगा मैनर, चोरी छुपके, चोरी छुपके को लिए कहते हैं स्टेल्थीली, स्टेल्थीली, चोरी छुपके, स्टेल्थीली। Did you sell your car stealthily? और place in Mumbai, ये हो गया place in Mumbai सोमवार को, तो on Monday। ये हमेशा ध्यान रखें, जब महीने के साथ में आता है इन और सप्ताह के दिनों के साथ में आता है on, on Monday। Now next, सचिन ने कोलकाता में सफलतापूर्वक 2020 में अपना शतक पूरा किया। तो सबसे पहले अपन टेंस के हिसाब से सब्जेक्ट लिखेंगे सचिन, फिर पूरा किया मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड, फिर ऑब्जेक्ट अपना शतक, हिज सेंचुरी, यहां तक तो टेंस के हिसाब से आ गया सचिन कंप्लीटेड हिज सेंचुरी, फिर मैनर सफलतापूर्वक, सक्सेस फुल्ली, फिर प्लेस इन कोलकाता, और टाइम इन 2020। ये हो गया इसका, सचिन कंप्लीटेड इस सेंचुरी सक्सेसफुली इन कोलकाता इन 2020 एमपीटी। और नेक्स्ट, क्या तुमने कल मुझे बगीचे में गुस्से में थप्पड़ नहीं मारी थी? तो डिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डिड, फिर बाद में आ जाएगा तुमने के लिए यू, फिर नहीं है तो इसके लिए आ जाएगा नॉट, डिड यू नॉट, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लैप। ये तो टेंस के हिसाब से हम लिख देंगे स्लैप ऑब्जेक्ट मी। नाउ इज आफ्टर इट द एमपीटी विल स्टार्ट, डिड यू नॉट स्लैप मी, मैनर गुस्से में, मैनर हो गया गुस्से में, एंग्रीली बगीचे में, इन द प्लेस इन द गार्डन कल, टाइम इन द गार्डन यस्टरडे। सो इन दैट वे आई हैव कंप्लीटेड एमपीटी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच शुड बी कैप्ट इन आवर माइंड। ये हमको ध्यान में रखने की जरूरत है जब भी हम कोई सेंटेंस लिखे, वेन एवर वी राइट ए सेंटेंस वी विल हैव टू फॉलो दिस पैटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनर, then place, then time, so that our sentence may grammatically be absolutely correct।
सो आई होप दिस नॉलेज इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड यू विल सर्टनली अंडरस्टैंड इट एंड यू विल यूज इट इन योर लाइफ. थैंक यू.